एक नई दिशा। साथियों ओम साई राम। एसएसआई फूड कार्ड्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश मदान आपको लेकर चलता हूं आज एक और नए सफर नई दिशा की ओर। आज जिस सफर की ओर मैं लेकर जा रहा हूं उसको देखने के बाद मेरा दावा है कि अगर आप फूड ट्रक लेने की सोच रहे हैं तो आप फूड ट्रक लेने का इरादा छोड़ देंगे। यदि आप किसी मार्केट में दुकान लेकर रेस्टोरेंट या कोई कैफे हाउस या फास्ट फूड सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो वो इरादा भी आप छोड़ देंगे। ये है एसएसआई फूड कार्ड्स की तरफ से बनाया गया ई रिक्शा पर फूड ट्रक का बाप, नाम है बाबा ड्रैगन। इसे देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके बारे में बात करते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको देता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। पांच पहियों पर बनाया गया ये ई रिक्शा देखिए पूरा लोड ले रहा है। इसमें 2500 वाट की मोटर लगाई गई है, पूरी तरह से वजन लेने के लिए सक्षम और 9 फीट लंबा एक रेस्टोरेंट कह सकते हैं, एक कैफे कह सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दिया जा सकता है। मेरे पास ये क्लाइंट फोमो मोमो का ई रिक्शा जो कि शर्मा किंग और फोमो मोमो के नाम से बनाया गया है, उसमें एक्चुअली एक अटैचमेंट लगाई गई थी मगर इन्होंने मुझे बोला कि मुझे इसी तरह का एक लंबा ई रिक्शा बना कर दीजिए जिसमें फ्रिज भी लगा हो, सॉफ्टी मशीन भी लगी हो, सैंडविच ग्रिलर भी होना चाहिए और साथ में मोमोज के लिए भी प्रोविजन होना चाहिए, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, साथ में स्प्रिंग पोटैटो मिल्क शेक। मेन्यू बहुत बड़ा था, चैलेंज भी बड़ा था मगर हमने एक्सेप्ट किया और लग गए काम पे। मैंने और मेरी टीम ने इसके ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन किया और इसके ऊपर काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। किसी भी काम को लगन से किया जाए तो रिजल्ट तो अच्छा आता ही है, वही हमारे साथ हुआ। ड्राइवर कैबिन को छोड़कर जो पीछे का एरिया है, जो वर्किंग एरिया कह सकते हैं, 9 फीट का है। पीछे के कैबिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तरफ ठंडा और एक तरफ गर्म। उसी तरह से बड़ी खूबसूरती से ऊपर हट शेप LED लाइट्स के साथ लगाई गई है। बीच में एक ग्लो साइन बोर्ड ट्रायंगुलर शेप में बड़ी खूबसूरती से लगाया गया है जो कि बहुत दूर से चमक रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओपनेबल फ्लैप्स विद लॉकिंग अरेंजमेंट, डार्क कलर का वुडन ACP इसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से लगाया गया है। उसी के साथ LED प्रोफाइल्स भी चारों तरफ घुमाए गए हैं, फ्लैप्स के ऊपर LED लाइट्स लगाई गई हैं ताकि कार दूर से चमके, रोशनी से भरपूर रहे। हमारी रिक्शा आपके कस्टमर को एक बार जरूर अट्रैक्ट करेगी, उसके बाद दोबारा तो आपके टेस्ट और आपका बिहेवियर कस्टमर को वापस लेकर आएगा। फ्रंट साइड में इसमें 3 पिलर दिए गए हैं जो कि ग्लो कर रहे हैं और उसके नीचे 2 लोगो LED लाइट प्रोफाइल के साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए इसके टेबल टॉप के बारे में बात करते हैं। बैक साइड में एक सॉफ्टी मशीन लगाई गई है, उसके साथ 2 डीप फ्रायर लगाए गए हैं, एक नॉर्मल फ्रायर और दूसरा स्प्रिंग पोटैटो के लिए। स्प्रिंग पोटैटो रोल्स का आजकल यंगस्टर में बहुत क्रेज है। बीच में एक पार्टीशन दिया गया है जिस पर रैक लगाए गए हैं बॉटल्स रखने के लिए। इसी के साथ रूफ पर भी स्टोरेज है, ये देखिए स्लाइड करता हुआ हमारा सैंडविच ग्रिल। पार्टीशन के बाद स्पेस खाली रखा गया है ताकि इस पे कॉफी मशीन रखी जा सके और गर्मियों में इस पे ब्लेंडर रख के शेक का काम किया जा सके। स्लाइडिंग करते हुए हमने इसमें GN पैन लगा दिए 1/6 के 6, उसके नीचे एक स्लाइडिंग पोटैटो स्प्रिंग रोल के बैटर के लिए। एक 200 लीटर का डीप फ्रीजर ग्लास टॉप के साथ रखा गया है जिसमें कि आइसक्रीम वगैरह रखी जा सकेगी। इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा गया है थोड़ा सा हाइट देकर जो कि किसी भी काम आ सकता है, अगर हम हॉट कॉफी मशीन भी रखना चाहें तो रखी जा सकती है, ब्लेंडर का काम भी किया जा सकता है। उसके साथ में ड्राइवर केबिन के ऊपर एक ट्रे गिराई गई है जिसपे एक्स्ट्रा मटेरियल रखा जा सकता है जो कि हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी या शेक्स के काम आ सकता है। रूफ पे स्टोरेज के अलावा साइड में भी एक स्टोरेज दी गई है जिसमें कि एक्स्ट्रा सामान रखा जा सकता है। इतनी खूबसूरत, इतनी हाइजेनिक कार्ट के बाद अगर इसमें कैमरा और म्यूजिक सिस्टम ना हो तो कुछ अधूरापन लगता है, इसलिए इस अधूरापन दूर करने के लिए हमने इसमें कैमरा और म्यूजिक सिस्टम भी लगा दिया। ये सारा अरेंजमेंट आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह की कार्ट्स बनाने में, इसलिए दिल खोल के लाइक किया करें, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।